सांप के साथ खेलती, कबूतर का इलाज करती, कुत्ते के बच्चों को दुलारती, ये है निशा सुब्रमण्यम कुंजू। निशा का नाम विश्व महिला दिवस पर कुछ और भी खास हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के कार्य ये कर रही है वो अपने आप में ही सबसे अलग है। निशा की गिनती कुछ विशेष प्राणी मित्रों में होती है, खासकर इन्हें लोग सर्प मित्र के रूप में ज्यादा ही पहचानते हैं, जो कि सांप के साथ इनकी दोस्ती को देखकर ही समझा जा सकता है। निशा को सर्प मित्र बनने की प्रेरणा उनके भाई सुनीश से मिली, जिसके बाद उन्होंने सांप के साथ तमाम प्राणियों को बचाने का जिम्मा उठाया। एनिमल्स के लिए जो मेरा लव है उसके लिए मैंने पॉकेट मनी जमा करती थी और उसके लिए फूड मतलब बिस्किट्स लेती थी, वो उसको फीड करती थी और अपना ये करीबी बनाती थी। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देना मीन्स मेरा जो डॉक्टर फैसिलिटी नहीं था पहले, तो हम लोग फर्स्ट एड के लिए टर्मरिक पाउडर यूज़ करते थे। मुझको कर्मवीर चक्र और कर्मवीर पुरस्कार मिला है आइकॉन को यूएन नेशन के तरफ से दिल्ली में रख के, और हाल ही में 2016 में मुझे 100 वुमन्स ऑफ इंडिया अचीवर्स अवार्ड मिला गया है। निशा को प्राणी मित्र बनने का विचार मेनका गांधी की पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के कार्यों को देखकर आया, जिसके बाद वे प्लांट एंड एनिमल संस्था की सदस्य बन गई। 2005 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने निशा को एनिमल वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया। 2016 में भारत के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए टॉप 100 महिलाओं की सूची में निशा को चुना गया, जिसके लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मुंबई लाइव।